So, hello everyone. My name is Clear? So, जैसे मेरे अभी माइक्रो हैं, छोटे बड़े इफेक्टिव, वैसे ही हमारा ये माइक्रो लेक्चर जो कॉन्सेप्ट है मेरे पास नंबर सिस्टम और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है चलिए कॉन्सेप्ट को जानते हैं सबसे पहले सिस्टम we'll कैसे किया जा सकता है माइक्रो कोर्स के थ्रू बड़े आराम से देखो सपोज करो मेरे पास कोई दो डिजिट का नंबर एक्स वाई इसको मैं कैसे लिखूंगा टेन एक्स प्लस वाई ठीक है <coughs> अच्छा मेरे पास वाई एक्स होगा तो इसको कैसे लिखूंगा मैं टेन वाई प्लस एक्स लिखूंगा बिल्कुल लिखूंगा इसी तरीके से अगर कोई तीन डिजिट का नंबर है जो कि दो हजार अट्ठारह में बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा हुआ है तीन डिजिट का नंबर कैसे होगा एक्स वाई जेड यानी हंड्रेड एक्स प्लस ऑफ टेन वाई प्लस जेड होगा क्लियर इसको पलट के लिखो देखो जब आप इसे पलट के लिखेंगे ना तो तो का हो हो जाएगा ठीक है है इसका मतलब के के जो नंबर उसकी नहीं होगी ध्यान रखिएगा क्योंकि वाई को अगर गड़बड़ कर गड़ गड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी देखे? इसी ऊपर था था मेरा एक question. Question क्या चलिए देखते बहुत अच्छा क्वेश्चन था देखिए है डिजिट इज ऑफ विच द मिडल वन इज जीरो एंड सम इज फोर देखो इसका मतलब क्या एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड है मतलब मेरे को क्या दिया वाई मेरे पास जीरो तो टाइप का नंबर है मतलब बेसिकली लिख के आ रहा हूं मैं हंड्रेड एक्स प्लस ऑफ टेन वाई प्लस जेड लिख रहा हूं इसे में ठीक है प्लस जेड हुए सम इज जीरो

X आएगा तो एक्स आएगा क्लियर अब ये कह रहा है है दूसरे वाला नंबर नंबर पहले से ज्यादा रहे हंड्रेड जेड प्लस एक्स माइनस एट क्लियर अब देखो पूछा क्या हुआ है द लार्ड डिजिट इज ये कितना आएगा मेरे हंड्रेड जेड प्लस एक्स माइनस ऑफ हंड्रेड एक्स

अब जैसे नंबर सिस्टम मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा देखो मेरे को सिर्फ क्लिक करना है थीके? आप इसका ट्रायल भी ले सकते हैं साथ चॉइस क्वेश्चन को मिल रहे हैं सबसे पहली बात ये जो ग्यारह लेक्चर्स हैं इसमें कुछ आपके पास थ्योरी के चैप्चर्स हैं प्लस कुछ आपके पास क्या है यहाँ पे वो चैप्टर्स वो लेक्चर्स हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो सोल्यूशन दी हूँ आपको जैसे बीस इक्कीस बाईस क्लियर नेक्स्ट दस वेब नोट्स है मेरे पास यानी इसका थ्योरी में क्या है क्या कुछ फॉर्मुला है वो सारे के सारे बातें यहां पे 440 question, मतलब कुछ जो लिए एक दिन से भी एक रुपया कम कहने का मतलब क्या है? पर डे एक रुपए से भी कम में कोर्स पढ़ रहा है तो अभी पेपर देना क्लियर करना है क्लियर इसी तरीके से मैं अगर बात करू लॉजिकल रीजन का देखो ये आई का बटन है पे कितने क्वेश्चन आए <coughs> तो हुए उन्नीस में, 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 में पांच क्वेश्चन आए थे तो रैंकिंग ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बैठता है क्लियर जहां से एक से दो क्वेश्चन आ रहे हैं क्लियर इसी तरीके से इंग्लिश कॉम्प्रेंशन को बच्चे बड़े लाइटली लेते हैं बट लेना नहीं चाहिए रीजन यहां पे अगर आई बटन पर आप क्लिक, क्लिक, क्लिक करेंगे क्या मिल रहा है आपको देखो 2023 में 26 क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन बाईस में सत्ताईस क्वेश्चन इक्कीस में 25 तो ये एक बहुत वैल्यूएबल चैप्टर है आपके लिए क्लियर इसी तरीके से एंटोनिमी सिर्फ सिक्स रुपीज का यहाँ पे आपको इंग्लिश कॉम्पिटिशन के छह लेक्चर मिल रहे और वन थाउजेंड के राउंड क्वेश्चन मिल रहे हैं क्लियर क्या आपके बाद चार सौ तो तेईस रुपए में सिर्फ क्लियर तो दीज आर सम इफेक्टिव मेथड्स टू क्रैक यूपीएससी सेट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर क्लियर देखिए यहां पे अगर आप जाएंगे तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल आ, के कॉल मी या व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे ठीक है देखिए यहाँ पे क्रैश कोर्स भी आपके पास आपके पास बैचेस भी हैं मेंटरशिप के लेक्चर्स हैं देख सकते हैं क्वांट के लेक्चर्स हैं और ये जो सारे लेक्चर्स हैं ये सारे आपको मिलेंगे जो यूट्यूब पे हमारे ग्यारह बजे सेशन आ रहा है वो सब आपको मिलेगा यहाँ पे ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए क्या मेरे पास ये वो स्टूडेंट है जो बाईस तेईस के हमारे रैंक होल्डर्स थे वी आर प्रोड्यूसिंग रैंक होल्डर्स थ्रू आउट क्लियर जैसे स्पर्श की 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 बात करूं, 51, रुण 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 की, 56, दिव्या 105, इनमें से कोई ट तो को आसान तो नहीं है बट हाँ अगर अभिमन्यु इसके साथ जो नंबर वन प्लेटफॉर्म है बहुत आसान है अभी जुड़िए सारे सारे लिंक चाहे माइक्रो कोर्स का और नंबर सिस्टम के फुल माइक्रो कोर्स अगर लेना हो तो किसी और टॉपिक्स का फुल कोर्स करना हो या व्हाट्सएप ग्रुप सबके सब लिंक मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए बिकॉज यहाँ पे कुछ अलग है कुछ बात है थैंक यू